नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ उमादित्य द्विवेदी। आज हम बात करेंगे बजट के बारे में। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे आज बजट में क्या कुछ आया है, क्या कुछ फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है और आपको क्या मिला, हमारी आपकी जेब पर क्या असर पड़ा, हमारे आपके घर के बजट पर क्या असर पड़ा और क्या कुछ असर पड़ा है हमारे जो आर्थिक नीतियां रहती घर से जुड़ी हुई कि इस बार हमें इस महीने ये बचा के चलना है, सेविंग्स करना है या खर्च करना है, उस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ कई रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे जो उस क्षेत्र से जुड़ेंगे जहां पर पब्लिक मौजूद रहेगी, उनकी भी राय जानेंगे और कितना उम्मीदों पर ये खरा रहा है बजट, उसके बारे में भी जानेंगे जनता की राय। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना चौथा बजट पेश कर किया। इसमें कृषि, शिक्षा, हेल्थ केयर, रेलवे, डिजिटल करेंसी और डिजिटल बैंकिंग को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए। इस बजट से आम लोगों को भी काफ़ी उम्मीद थी। आम लोगों के लिए सरकार ने बजट में कुछ बड़े ऐलान भी किए हैं। इनमें पीएम आवास योजना और नल जल योजना के लिए बड़े आवंटन शामिल हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट संबोधन में कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इनके लिए 48,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। सभी घरों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने पर फोकस स्कीम नल जल योजना के लिए इस बजट में 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार ने कमाए वाले लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए पीएम आवास योजना लॉन्च की थी। इसके लिए मार्च 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य भी रखा गया था। पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ मार्च 2024 तक मिलने वाला है। 60 लाख नौकरियां मिलेंगी, आपको बता दें 60 लाख नौकरियां। समग्र कल्याण ही हमारा मकसद है, यह भी भाषण के दौरान उन्होंने कहा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इस बजट में विकास को प्रोत्साहन दिया गया है। बजट में युवा, महिला और किसानों को फायदा मिलेगा, वित्त मंत्री का कहना है। पूंजीगत व्यय को बढ़ाने में आर्थिक रिकवरी में तेजी होगी। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाएंगे, 90 मिनट का भाषण दिया उन्होंने हाउस में। पीएम गति शक्ति मिशन पर काम होगा। एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा। वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चलाया जाएगा, यह भी बजट भाषण के दौरान कहा गया। निजी निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य भी रखा गया है। 25 साल की बुनियाद तैयार करेगा ये बजट, ये रोड मैप है 25 साल का। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे क्योंकि कोरोना काल में तबाही मची थी, उसको देखते हुए गरीबों को मजबूत करने पर भी फोकस है वित्त मंत्री का। 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। एयर इंडिया का विनिवेश पूरा किया गया। LIC का IPO जल्द लॉन्च किया जाएगा, यह भी वित्त मंत्री का कहना है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत हो रही है। मध्यम वर्ग को बड़ा फायदा पहुंचाने की सरकार की कोशिशें हैं। हमारा लक्ष्य नागरिकों को सशक्त करना है, ऐसा भी वित्त मंत्री का कहना है। 14 सेक्टर में नए रोजगार खड़े किए गए। आपको बता दें 60 लाख नए रोजगार सृजन किए जाएंगे, ऐसा भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा निर्मला सीतारमण ने। समग्र कल्याण ही हमारा एकमात्र मकसद है। इस बजट में विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा। बजट में युवा, महिला और किसानों को फायदा पहुंचेगा। पूंजीगत व्यय को बढ़ाने में आर्थिक रिकवरी में तेजी आएगी। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने की बात की गई है। पीएम गतिशक्ति मिशन से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा। आपको बता दें कि निजी निवेश को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखा गया है इस बजट में और अगले 3 साल में लगभग 400 वंदे भारत ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। आपको यह भी बता दें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने की बात की है, मजबूत बनाएंगे क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में भारत की जो मौजूदा स्थिति है विश्व में तो 100 के ऊपर है, लगभग 107वां स्थान आता है भारत का स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में। ऐसे में जो देश दूसरे नंबर पर थे, अमेरिका जैसे, उनकी भी स्वास्थ्य सेवाएं ठप्प पड़ गई थी कोरोना काल में। ऐसे में अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है तो अपने आप में ये बहुत अच्छा लक्ष्य है, बहुत सही करने की कोशिश
की गई है इस बजट में। हमारा लक्ष्य नागरिकों को सशक्त करना है, नागरिकों को एम्पावर करना है, ऐसा कहना है वित्त मंत्री का। 14 सेक्टर में नए रोजगार खड़े किए गए। और अब सीधा आपको लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं, बजट के बाद क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। ये सभी वर्गों को मिलेगा। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव है, बॉर्डर के गांव है, जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो, या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोरोना काल में एमएसएमई यानी हमारे छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए थे, अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई थी। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ भारत के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। 7.5 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर
बात करने के लिए निमंत्रित किया है। कल 11 बजे मैं बजट के इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। आज इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। संबोधित कर रहे थे बजट की बात, जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया, 90 मिनट का उनका भाषण था। उस दौरान उन्होंने जिन जिन योजनाओं के बारे में कहा, उसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते नजर आए। किसानों की आय बढ़ाने वाला बजट है, ऐसा पीएम ने कहा। किसानों जो खेती करते हैं उसमें जो लगने वाली रकम है वो कम होगी, यानी कि जो पैसा खर्च होता है उपजने में उसमें कमी आएगी। साथ ही साथ गरीबों, दलितों और पिछड़ों के लिए बोल रहे थे कि उनके लिए बजट है, उनको मजबूती देने का ये बजट है। 100 साल का विजन लेकर चल रहे हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने वाला ये बजट है। यानी और जो रोड मैप है, जो जिक्र किया था निर्मला सीतारमण ने, वो कहा था 25 साल का, आगे 25 साल का जो ब्लूप्रिंट है उसको लेकर के बजट बहुत अहम है। हेल्थ की बात करते हुए नजर आए, तो कुल मिला के संबोधन में बजट पर खास बात करते हुए नजर आए। क्या कुछ बजट की अच्छाइयां थी वो बताते हुए नजर आए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़ गए हैं। राहुल, बजट की तारीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, फाइनेंस मिनिस्टर आती हैं और बजट संसद में पेश करती हैं, उसके बाद जब पेश करती 90 मिनट का भाषण होता है, उसमें गरीब, दलित, पिछड़ों को मजबूती की बात की जाती है, 400 वंदे भारत ट्रेन की बात की जाती है, 60 लाख नौकरियों की बात की जाती है, युवाओं के सपनों की बात की जाती है, कपड़ा, जूते चप्पल, मोबाइल चार्जर, गहने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, डायमंड पॉलिश जो होता है, जो टुकड़ों में भी होता है, पॉलिश होता है, उसके गहने, ये सब सस्ता कर दिया गया है। लेकिन जो सरकारी, जो माफ कीजिएगा, जो नौकरी पेशा के लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए जो इनकम टैक्स है उसकी स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, जस का तस। कैसा लग रहा है आपको ये बजट, आपका नजरिया? राहुल, आपका आवाज मिल रही मेरी? शायद राहुल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। टेक्निकल टीम जल्दी इस खामी को दूर करेगी। तो इस बजट में विकास का प्रोत्साहन है, वित्त मंत्री का यह कहना है। बजट में युवा, महिला और किसानों को फायदा मिलेगा, यह भी वित्त मंत्री का कहना है। बजट है, पूंजीगत व्यय को बढ़ाने में, आर्थिक रिकवरी में तेजी आएगी, यह भी उनका कहना है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाएंगे, यानी कि आप इसके मायने समझिए, 100 साल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो जोर होगा वो इस बजट के बाद ही तैयार किया जाएगा। राहुल हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, 400 वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी, 60 लाख नौकरियां सृजित होंगी, विकास का बजट है, युवाओं के सपनों का बजट है, कपड़ा सस्ता हो गया, जूते चप्पल सस्ते हो गए, मोबाइल चार्जर सस्ता हो गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सस्ती हो गई, साथ ही साथ जो डायमंड के सेट लोग खरीदते थे वो सस्ते हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर के लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग नौकरियां करते हैं उनको कोई राहत नहीं है, किसी तरह का इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। राहुल, आपका नजरिया कैसा है बजट? देखिए, निश्चित तौर पर जो आज का बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, उसको लेकर कई उम्मीदें बनी थी। पिछले दो साल से जिस तरह से कोरोना संक्रमण काल से पूरा देश जूझ रहा है, तमाम लोगों की नौकरियां चली गई है, तमाम लोग आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, उनको उम्मीद थी कि इस बजट से कुछ उनको राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरह से टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है उसको लेकर मायूसी जरूर है। इसके अलावा व्यापारी वर्ग है, उनको भी काफी उम्मीद थी कि जिस तरह से दो साल में उनका व्यापार बर्बाद हो चुका है उससे कुछ सरकार की तरफ से राहत मिलेगी, लेकिन इसको भी लेकर व्यापारी वर्ग की तरफ से कोई भी उनको राहत नहीं मिली है। जो विज्ञान है उनको टैक्स में छूट दे दी गई है, जो पेंशन धारक है उनको टैक्स में छूट दे दी गई है। इसके अलावा जो 16 लाख नई नौकरियों की बात की जा रही है, बजट जो पेश किया गया उसको आगे 25 सालों की रूपरेखा को तैयार करते हुए किया गया है। गंगा किनारे जितने भी किसान है उनको इस बजट में कुछ सौगात मिली है, लेकिन जो आम जनता है, जो मध्यम वर्ग है, उसको इस बजट से उम्मीद थी उसको सिर्फ 25 दिन आता हाथ लग गई। ठीक है राहुल, एक बात और है यहाँ पर,
किसानों की बात की गई है। कहा गया है कि प्राकृतिक खेती गंगा के किनारे होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अपने संबोधन में भी कहा कि जब गंगा के किनारे प्राकृतिक खेती होगी उसको प्रोत्साहित किया जाएगा तो गंगा साफ होगी। ठीक है आपकी बात, कृषि उत्पाद है जो किसान खरीदते हैं वो सस्ते हो गए, ठीक बात है। लेकिन जो वादा किया था बुलेट ट्रेन का 2023 तक लाने का, वो अभी तक नहीं चल पाई है। 400 वंदे भारत ट्रेनों की और बात कर दी इन्होंने, 60 लाख नौकरियों की बात कर दी है। क्या लग रहा है, धरातल पर कुछ नजर आ रहा है, सिर्फ सपने? किसानों की बात नहीं, क्योंकि हमने कुछ दिनों के बाद से उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव है, जिस तरह से किसानों को लेकर एक विरोधाभास है सरकार और किसानों के बीच में, उसकी कमी को, उसकी विरोधाभास को दूर करने के लिए, किसानों को खुश करने के लिए किसानों को तो लेकर सौगात दी गई है। लेकिन निश्चित तौर पर आपने एक बात बिल्कुल सही कही हो कि बुलेट ट्रेन का वादा किया गया था जो कि आज तक धरातल पर नहीं दिखा गया। इसके अलावा वंदे मातरम ट्रेन का ऐलान अलग से कर दिया गया कि वंदे मातरम ट्रेनें चलाई जाएंगी। ठीक बात है, चलिए राहुल आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीधी सी बात है, बजट में साधने की तो सबको कोशिश की जाती है, लेकिन कौन कौन साधता है ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। राहुल आपका शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए और इस पे अपना नजरिया बजट के लिए रखने के लिए। तो कुल मिलाकर के पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ मार्च 2024 तक मिलने वाला है, ऐसा भी कहना है इस बजट के दौरान। इसके तहत मकान खरीदने पर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी की रकम अलग आय वर्गों के लिए अलग अलग होती है, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। नौकरी पेशा लोगों को क्या मिला, नौकरी पेशा लोगों को बजट में सबसे ज्यादा आयकर छूट को लेकर उम्मीदें रहती हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला, स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं, उम्मीद जो थी उस पर पानी फिर गया। लोग पिछले 8 साल से आयकर में छूट की मांग कर रहे हैं, आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आयकर छूट को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। और इस पर हमारे सहयोगी, बजट पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी कन्नौज से जुड़ गए हिमांशु तिवारी। हिमांशु, कन्नौज के लोगों को कैसा लग रहा है ये बजट? कहा जाता है आम बजट, आम आदमी के लिए, सबको साधने की कोशिश की जाती है, लेकिन मायूसी अब भी लोगों के चेहरे पर। हिमांशु आप हमें सुन पा रहे? जी जी बिल्कुल, यदि बात करें कि हमारे आज बजट पास हुआ है जिसके लेकर हमारे व्यापारी जो कुछ लोग हैं, हाँ व्यापारियों से बात करिए और जानने की कोशिश करिए उनको क्या मिला, क्या वो खुश है इस बजट से या फिर मायूस है। जी बिल्कुल बात करेंगे सर, आपका जमीन में बहुत बहुत स्वागत है सर। आज जो बजट पास हुआ है, किस प्रकार का बजट है, क्या आप उससे खुश है या ना खुश है? आज का जो केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया है, इस बजट का लपोलुआ इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का एक बूस्टर डोज है, वह या आज का पेश किया हुआ बजट मुझे लगता है, क्योंकि इस बजट में नवयुवकों को 60 लाख रोजगार देने के लिए स्टार्टर को एक बूस्टर डोज दिया जा रहा है, किसानों को उसके उपयोग आने वाले सस्ते उपकरण किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य के संबंध में इस देश के अंदर आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है, इस देश की अर्थव्यवस्था को इन प्रकार। हिमांशु इनसे पूछे किस चीज का व्यापार करते हैं, पहले इनसे प्रश्न कीजिए। भविष्य के दूरगामी बजट को सर आप किस प्रकार के व्यापार करते हैं, किस प्रकार को आपको लाभ मिलने वाला? मैं वैसे तो व्यवसायी हूँ और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष भी हूँ। व्यापारियों की दृष्टि अगर किस प्रकार का व्यापार है आपका? मैं वस्तु व्यवसायी हूँ, कपड़े पर सस्ता होने की संभावना पड़ गई है, चमड़े के उद्योग पर, तो इसलिए आप खुश हैं? ठीक है, ठीक है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? इस्तेमाल कर सकेगा, आपके यहाँ दुकान में सेल्समैन होंगे, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? उनको तो कुछ नहीं मिला। नौकरी पेशा वालों के लिए क्या कहेंगे आप? नौकरी पेशा वालों के लिए आईटीआर मतलब इनकम टैक्स में कोई स्लैब में बदलाव नहीं किया, 8 साल से मांग हो रही है, मैं ये मानता हूँ 8 साल से स्लैब में परिवर्तन किया जाए, छूट दी जाए इनकम टैक्स में, नहीं मिला। हिमांशु किसी एक और व्यापारी को लीजिए अपने साथ। वैश्विक महामारी कोरोना का प्रभाव रहा, तो इसमें अरबों खरबों रुपए की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, ग्रामीण अंचलों में गरीब जनों को, विशेष रूप से मध्यम वर्ग के लोगों को भी
जो राशन फ्री दिया जा रहा है उसके कारण। चलिए ठीक है, आप राजनीति पे उतर, ठीक है हिमांशु, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और व्यापारियों से बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर के बजट में सबको साधने की कोशिश की गई, लेकिन सवाल अब भी है कि जो नौकरी पेशा लोग हैं वो चाहते थे उन्हें छूट मिले, नहीं मिली, ठीक है, इनकम टैक्स में छूट नहीं दी गई। छात्रों को कह दिया गया 12 से 200 चैनल चलाए जाएंगे जिसमें आपको शिक्षित किया जाएगा। देखिए कब चलते हैं, कहीं ये भी बुलेट ट्रेन की तरह ना हो जाए कि बुलेट ट्रेन 2023 तक आनी थी और अभी तक कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रही। तो हम बजट 2022-23 पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं, कुछ व्यापारी गण भी हमसे जुड़े थे, वो भी अपनी राय रख रहे हैं, कुछ लोग इसे पॉजिटिव बता रहे हैं। आपको बता दें निर्मला सीतारमण ने आज अपना चौथा बजट पेश किया, इसमें डिजिटल करेंसी, डिजिटल बैंकिंग, हेल्थ केयर, रेलवे, कृषि, शिक्षा के क्षेत्र, सभी पर जोर दिया गया, सभी पर बड़े ऐलान किए गए हैं। आपको बता दें लोगों को उम्मीदें जो थी सरकार से, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको उम्मीदें थी जो 8 साल से मांग कर रहे हैं कि जो टैक्स स्लैब है उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, लेकिन उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और इसी पर बात करने के लिए मेरी सहयोगी सौम्या मिश्रा कानपुर से हमसे जुड़ गई हैं। सौम्या, इस बार का बजट, आप इस वक्त जहां मौजूद हैं, आपके आसपास लोग हैं, उनसे पूछिए कि कैसा लगा उनको इस बार का बजट, क्या उम्मीदें थी और क्या कुछ उन्हें मिला या कुछ नहीं मिला। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगी जब मार्केट में निकली हूँ या बाजार में देखा है तो लोगों में कहीं ना कहीं मायूसी देखने को मिली। लोगों का कहना था कि मिडिल क्लास के लिए ये बजट ज्यादा किफायती नहीं रहा है क्योंकि इनकम टैक्स में भी कुछ खासा छूट नहीं दी गई है, साथ ही गहनों जो गहन सौम्या की आवाज थोड़ा सा जो है वो नहीं मिल पा रही है। सौम्या लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, अगर आपके आसपास लोग हैं उपस्थित तो उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कैसा रहा बजट, उनको क्या कुछ मिला, क्या उम्मीदें थी। सौम्या से हमारा संपर्क टूट गया है, हालांकि टेक्निकल टीम फिर से जुड़ने की कोशिश करेगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए जो आम बजट है 2022-23, ये लोग इससे उम्मीदें बहुत कर रहे थे क्योंकि अभी कोरोना काल बीता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव जो थी उसके बाद का ये दौर चल रहा है, लोग परेशान हैं, कईयों की नौकरी जा चुकी है, लोगों के पास जो सेविंग्स थे वो खर्च हो चुके हैं और ऐसे में बजट से बहुत उम्मीदें थी। हालांकि निर्मला सीतारमण ने पूरे जो सेक्टर्स हैं सभी को छूने की कोशिश की है, आम आदमी जो है गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, सबको कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है, मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें मध्यम वर्ग जो है उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो मायूस है क्योंकि मध्यम वर्ग में ज़्यादातर नौकरी पेशा लोग होते हैं और ऐसे में उनको टैक्स में कोई छूट नहीं मिली है। सौम्या हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई है। सौम्या, वहां अगर आपके पास लोग हैं, जो लोग खड़े हैं उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि उनको बजट कैसा लगा। सौम्या हमसे जुड़ेंगी, जल्द जुड़ेंगी, सौम्या जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, हालांकि टेक्निकल फॉल्ट के चलते वो जुड़ नहीं पा रही हैं। एक बार फिर से मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि उनको जोड़ने की कोशिश करें क्योंकि कानपुर जो नगर है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अहम हो जाता है और यहां के व्यापारियों की राय बेहद अहम हो जाती है। तो बजट से उम्मीदें बहुत हैं लोगों को। सौम्या हमारे साथ जुड़ गई। सौम्या, लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि उनको इस बार का बजट कैसा लगा, क्या उम्मीदें थी, मिला क्या उन्हें, क्या मायूसी या वाकई उम्मीदों पर खरा उतरता है बजट। जी उमजी, जिस प्रकार से आज सुबह से ही हर कोई बजट 2022 का इंतजार कर रहा था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट तो पहले कई लोगों को उम्मीदें थी बजट से बहुत कुछ आम जनमानस को मिल सकता है, लेकिन जब आज कानपुर की सबसे बड़ी मार्केट है सराफा बाजार में हम खड़े हैं, यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग भी मौजूद है, उनसे पूछना चाहूंगी मैं आज बजट 2022 है कैसा था। पिछले साल वित्त मंत्री जी ने कहा था
और इस साल भी हमें बहुत सी अपेक्षाएं थी कि आयकर में हमें छूट मिलेगी और सोने चांदी के व्यापारी हम जैसे कि अभी चल रहा था कि कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सौम्या इनसे बोलिए कि जो हीरे से बने हुए जो जेवरात हैं उनमें तो वो सस्ते होंगे इस बजट के बाद। तरीके से बोला गया है कि जो हीरे के जेवरात हैं और जो आपका ये नगीने रहते हैं, जो नग रहते हैं, हाँ। उनमें काफी कुछ छूट दी जाएगी उनके बनाने में, उनकी पॉलिशिंग में। अब सरकार किसी चीज पर अगर ध्यान जाता है, उनके पास कोई प्रस्ताव जाता है तो कुछ ना कुछ वो कर देते हैं कि कुछ ना कुछ तो उन्हें दिखाना पड़ता है ना कि उन्होंने हीरे के गहने पर थोड़ी सी छूट दे दी और जो चीज होना चाहिए था वो नहीं हुआ। चलिए समय दूसरे आपके पास और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, पीछे बुजुर्ग खड़े हैं। बात करने की कोशिश करूंगी सर। सबसे पहले आपके नाम से बजट आ चुका है, जहाँ इन्होंने कहा कि इनको तो खास नहीं लगा ये बजट, इनकम टैक्स भी नहीं घटाया गया है, जो पुराना स्लैब था उसी को कंटिन्यू किया गया। आपके लिए ये बजट कैसा रहा? मानिए बजट सही है, इसमें किसानों को, युवाओं को और महिलाओं को पेंशन करके बनाया गया है, सही बजट है। और बजट पूरे देश को देखकर बनाया जाता है, किसी एक व्यवसाय को देखकर नहीं बनाया जाता है, और इसलिए ये बजट सबसे उचित बजट है। और आगे भी अगर आने ये जो छूटे की जो जनता मांग रही है, इनसे पूछे कि कोरोना काल चल रहा है, तीसरी वेव चल रही है और ऐसे में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने की बात की गई है, इस लिहाज से कैसा मानते हैं इस बजट को? जिस प्रकार से कोरोना का काल चल रहा है और हम इस समय सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं कि हमारे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाए और इस बजट में उस पर काफी ध्यान भी दिया गया है, तो इस मायने में किस तरीके से आप इस बजट को देख रहे हैं? जैसे कि आपने इस बजट से ना खुश अपनी जाहिर किए कि आप इस बजट से ज्यादा खुश नहीं है, तो इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? अब जैसा कि चुनावी माहौल है, सोचा था कि इतने प्रदेशों में लोग जो आना बजट सरकार पेश करे और चुनाव समय में बजट जो आते हैं वो लोग लुभावने होते हैं, लेकिन उस तरीके का कुछ सरकार ने दिया। आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे भी बहुत मतलब बढ़ा दिया गया है कि जो आर्टिफिशियल गहने होंगे वो महंगे कर दिए जाएंगे, क्या कहते हैं? क्या आज समझते कि औरतें जो है जो मतलब सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो वो इसी पे जाएंगे। ठीक है सौम्या, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी हैं जो कानपुर देहात से जुड़ेंगे, यासीन अली हैं हमारे साथ जुड़ेंगे अभी। यासीन अली हमारे साथ जुड़ेंगे कानपुर देहात से, वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनके साथ वो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की हम उनसे ये कोशिश करेंगे कि जो कानपुर देहात के लोग हैं उनको क्या कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देहात जो रूरल एरिया है वहां पे किसान बहुत होंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कृषि उत्पादों पर जो जिस तरीके से छूट की बात की गई, यानी कि कृषि उत्पाद जो होंगे वो सस्ते होंगे इस बजट में कहा गया है। दूसरी बात, जो किसान है उनको ध्यान में रख करके इस बजट में कुछ चीजों को जोड़ा गया है, कुछ ऐसे ऐलान हुए हैं जिनसे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, और ऐसे में यह बजट किसानों के लिहाज से बड़ा ही खास हो जाता है आम किसानों के लिए। तो हमारे साथ यासीन अली मेरे सहयोगी हैं कानपुर देहात से, वो जुड़ेंगे। तो आपको बता दें थोड़ी देर में हमारे साथ यासीन अली जुड़ेंगे और फिर हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनके द्वारा जानने की कोशिश करेंगे, वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके लिहाज से ये बजट कैसा रहा, क्योंकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा किसान उपस्थित होंगे उनके आसपास, तो ये बहुत साफ हो जाएगा कि किसान क्या कुछ सोचते हैं इस बजट को लेकर, किसानों को क्या कुछ मिला है, वाकई में किसान खुश है। क्योंकि वित्त मंत्री ने नौकरी की तो बात कर दी, 60 लाख नौकरियों की बात कर दी, और यासीन अली हमसे जुड़ गए। यासीन, वहां आसपास आपके कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, कुछ किसानों से बात करने की कोशिश कीजिए, आप कानपुर देहात में इस वक्त खड़े हैं, कि किसानों को क्या कुछ मिला, क्या वो खुश हैं इस बजट से? बेहतर तौर पर हम बात करेंगे, हमारे व्यापारी मिल जाते हैं, यहाँ के ग्रामीण इलाका है, यहाँ के कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे कि बजट को लेकर कितना वो संतुष्ट दिखाई दी है, हम बात करेंगे। भैया क्या मानते हैं कैसा बजट रहा इस बार? टैक्स ठीक है, मछली की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनकम टैक्स में 4 लाख से छूट मिलनी चाहिए, ये गवर्नमेंट छूट नहीं दे रही है व्यापारियों को, और मन से गुस्सा इसी मिलेगी जब 10 लाख की छूट है, 20 लाख तक के 5% में स्लैब रखा है, किसानों के लिए ब्याज दर कम करे, बिजली इनकी व्यवस्था कमजोर हो, ये होना चाहिए। नौकरी की बात की, नौकरी में भाई तो
नौकरी निकाले, पढ़े लिखे युवक जो घूम रहे हैं उनको नौकरी मिले, इससे जनमानस में इनसे कहीं 60 लाख नौकरियां आएंगी इस बजट के बाद। 60 लाख नौकरियों की बात करेंगे, 60 लाख शिक्षा अगर है मैंने 60 लाख की नौकरी से तो फॉलो करें, 50 घंटा खत्म होने पर 10 साल। यासीन, आपके पास कोई किसान नजर आ रहे हैं जो वाकई कृषि से जुड़े हुए हो, मतलब वहां पर वो किसानी करते हो, उनके पास जरा माइक लेकर जाइए। तौर पर हमारे साथ और भी लोग हैं। हाँ, देखिए कोई किसान है वहां पर आपके पास? और उनसे पूछिए किसान है, आपके लिहाज से बजट कैसा है? ये बजट कैसा है? बजट तो नॉर्मल है, ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बुरा है, और आम आदमी के लिए अरे किसानों के लिए बजट तो ठीक है, लेकिन इस समय किसानों के आगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ रही है कि जो जानवर हैं वो किसानों का बहुत नुकसान कर रहे हैं। बजट तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसानों की समस्या सबसे बड़ी जो आई है वो ये कुत्ते जानवर जो घूम रहे हैं, इनके कारण बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं और रात रात भर किसान जाग करके सर्दी में। यासीन, इनसे कहिए ये एक समस्या हो सकती है, लेकिन सिंचाई के लिए प्रॉपर बजट अलॉट कर दिया गया है, सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त होगी पूरे देश में? अगर हम उनसे बात करेंगे जो है वो समस्या बता रहे थे कि ये समस्या तो हो सकती है, लेकिन सिंचाई के लिए पर्याप्त बजट दिया गया है, उसको लेकर के उनसे कहा गया है आप लोगों के लिए कुछ सुविधाएं दी गई, तो कैसा मानते हैं? बजट तो मैंने कहा ना कि नॉर्मल है, लेकिन सुविधाएं किसानों को तत्काल आवश्यकता है। अगर इलेक्शन के बाद मिलेगा भी नहीं मिलेगा इस सुविधा में है। उनका साफ तौर पर कहना था कि इलेक्शन के बाद मिलेगा या कब मिलेगा इस सुविधा में है, क्योंकि इनको तत्काल मदद चाहिए, मदद है। चलिए, संशय की स्थिति है, लेकिन किसान खुश नजर आ रहे हैं। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए यासीन अली। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आम बजट 2022-23 पेश होने के बाद निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश किया, हालांकि मोदी सरकार का ये 10वां बजट था जो पेश किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और ऐसे में कई बातें की गई, हर क्षेत्र को छूने की कोशिश की गई, सभी वर्गों पर बात की गई, आधारभूत संरचना के लिए विकास की बात की गई है। तो ऐसे में ये आम लोगों का बजट है, विकास को बढ़ावा देने वाला ये बजट है, ऐसा जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनका भी कहना है, जेपी नड्डा का, अगले 25 साल की बुनियाद रखने वाला ये बजट है, यानी 25 साल का जो आधारभूत ढांचा है उस संरचना को मजबूती देगा ये बजट, ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। हालांकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो 100 साल लेकर के चल रहे हैं कि ये 100 साल के जो आधारभूत ढांचा है उसको मजबूत करता हुआ चला जाएगा। तो हम बात कर रहे थे लगातार आम बजट पर, निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश किया, इसमें शिक्षा, रोजगार और यहां तक कि 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात की है 3 साल के अंदर, 60 लाख नौकरियां सृजित की जाएंगी जल्द से जल्द, ऐसा कहना है किसानों के लिए, और कपड़ा सस्ता होगा, जूते चप्पल मोबाइल चार्जर ये सब सस्ता होगा, डायमंड ज्वेलरी सस्ती होगी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो सस्ती होगी इस बजट के बाद। ऐसे में लोगों को घर बनाने के लिए सब्सिडी जो मिलती है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, लगभग 80 लाख घर जो है वो इसी साल तक लोगों को दिए जाएंगे, ऐसी भी योजना इस बजट में कही गई। तो बजट 2022 और 23 में जब लोगों से बात की गई तो उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो मिलीजुली प्रतिक्रिया नजर आई। फिलहाल इस खास शो में इतना ही, आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है @jmdnews।